अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट फैंस। पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह एशिया कप 2023 से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह फास्ट बॉलर जमान खान को शामिल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक दाएं हाथ के फास्ट बॉलर जमान खान ने एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड में नसीम शाह की जगह ले ली है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर जमान खान ने आज सुबह सवेरे पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया और आज उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेनिंग भी करनी थी। वाज़ेह रहे कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह को भारत के खिलाफ दाएं कंधे पर चोट लगी थी और जिसके बाद वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे और अब नसीम शाह कौमी टीम के मेडिकल पैनल की तरफ से उनकी निगरानी में रहेंगे। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2023 में मैच से पहले तमाम तर जो भी बड़े फैसले किए जा रहे हैं ये क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए खिलाड़ियों की फिटनेस और उनकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 14 सितम्बर को यानी कल खेला जाएगा कोलम्बो में और इस मैच से पहले कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह जमान खान को शामिल कर लिया गया है। दोस्तों क्रिकेट की हर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।